नमस्कार, मैं हूं मीरा। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपनी भविष्यवाणी बताता है। अभी की चलती परिस्थिति यानी कोरोना क्राइसिस में ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है, उनकी आय में, इनकम में काफी असर पड़ा है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सितंबर तक की चलती ग्रह चाल के अनुसार किस राशि को कौन से महीने में नुकसान से बचना है और कौन सा महीना उनके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। चलती परिस्थिति को नजर में रखते हुए आपको अगर बताया जाता है कि ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा है, का मतलब जरूरी ये नहीं कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फायदा हो जाएगा, बल्कि मतलब ये है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उसमें सुधार आएगा और चलता घाटा कम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। जून जुलाई में आपकी फाइनेंस स्थिति सही नजर आ रही है, यानी आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आसानी से मैनेज हो पाएंगी। लेकिन अगस्त में थोड़ा डिप नजर आ रहा है, आर्थिक स्थिति मध्यम हो जाएगी, कहीं पे कुछ दिक्कत आएगी और कहीं पे कुछ ठीक भी रहेगा। सितंबर में फिर दोबारा से आपको आर्थिक फायदा होगा, स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। वृषभ राशि यानी टॉरस। सितंबर तक के चलते महीनों में जून, जुलाई, अगस्त, ये तीनों महीने फाइनेंशियली आपके लिए अच्छे रहेंगे। अच्छे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फायदा होगा, कम नुकसान होना भी फायदे की बात होती है। सितंबर में लेकिन स्थिति थोड़ी मध्यम नजर आ रही है, कुछ आर्थिक समस्या या कोई धन की दिक्कत आ सकती है। मिथुन राशि यानी जेमिनाई। जून जुलाई के महीने आपके लिए धन की तंगी और घाटे की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी आपने प्लानिंग से चलना है और एक्स्ट्रा खर्चों से भी बचना है। याद रखें, मनी सेव इज मनी अर्न्ड। अगस्त और सितंबर के महीने फाइनेंशियली आपके लिए बेहतर रहेंगे। बारी आती है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके लिए जून जुलाई के महीने कंपैरेटिवली फाइनेंशियली अच्छे नजर आ रहे हैं, यानी आपकी सारी फाइनेंशियल नीड, जरूरतें पूरी हो पाएंगी, आपको कुछ पेमेंट्स भी मिल सकती हैं, यानी आर्थिक फायदा होगा। लेकिन अगस्त में धन के नुकसान से और खर्चे से, दोनों चीजों से बचना है। सितंबर में फिर आपकी आर्थिक स्थिति वापस संभलने की पूरी संभावना है। सिंह राशि यानी लियो। जून जुलाई में आपको अपने काम से, व्यवसाय से पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी आर्थिक फायदा होगा। कुछ लोगों को पिताजी से भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। अगस्त में धन का ग्राफ थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन संभली रहेगी अगर आप प्लानिंग से चले। लेकिन सितंबर में आपने धन को फंसने नहीं देना, आपका धन फंस सकता है, धन जाया हो सकता है, सितंबर में खास घाटे से बचे। कन्या राशि यानी वर्गो। जून जुलाई में चाहे आपका काम थोड़ा कम है, लेकिन किस्मत से आपके फाइनेंसेस मैनेज हो पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही रहेगी इन दोनों महीनों में। अगस्त में फिर आपका काम थोड़ा बेहतर होगा और सितंबर में आपको आर्थिक फायदा होगा, रुकी हुई पेमेंट भी सितंबर में मिलने के हैं आसार। बारी आती है तुला राशि यानी लिब्रा की। अभी का समय आपका फाइनेंशियली दिक्कत वाला चल रहा है। जून जुलाई में धन की तंगी सता सकती है, धन की चीटिंग से, बंटवारे से या नुकसान से आपने बचना है, क्योंकि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में फिर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और सितंबर में आपका काम भी, जो भी व्यवसाय है, वो बेहतर हो जाएगा, उससे आपका फायदा हो पाएगा। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। जून जुलाई का महीना फाइनेंशियली मध्यम नजर आ रहा है, यानी गुजारा तो चल रहा है, बट पहले जैसी बात नहीं है। जीवन साथी से कुछ लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। अगस्त के महीने में धन की दिक्कत आ सकती है,
या धन के लेन देन में मतभेद हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतें। सितंबर में आपकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से बेटर होने की पूरी संभावना है। धनुराशि यानी सैजिटेरियस, जून जुलाई के महीने आपके लिए तो फाइनेंशियली थोड़ी परेशानी वाले नजर आ रहे हैं। आप कर्ज से घिर सकते हैं अगर प्लानिंग से नहीं चले, साथ साथ चोरी से, धन की चीटिंग से भी आपने इन महीनों में खास बचना है। अगस्त में स्थिति थोड़ी संभलेगी, कुछ फायदा होगा, लेकिन फिर भी आपने एहतियात रखनी है, नहीं तो सितंबर में वापस धन की तंगी या नुकसान सता सकता है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, आपकी साढ़े सती चल रही है, समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सितारे इशारा करते हैं कि जून जुलाई आपका फाइनेंशियली बेटर रहेगा पिछले गए महीनों से। साथ साथ आपकी स्किल्स, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आपके काम आएंगी, लेकिन आपने पूरी कैलकुलेशन से चलना है, केवल अंदाजे से नहीं आगे बढ़ना है, नहीं तो अगस्त में धन को लेकर कुछ परेशानी, कुछ टेंशन आ सकती है। बंटवारा भी धन का, चिंता का कुछ लोगों के लिए कारण बन सकता है। सितंबर में फिर स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, यानी आपका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहेगा, बस जरूरत है सूझबूझ से किए गए कर्मों की। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जून जुलाई में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से सुधरेगी, आपको काम से या किसी प्रॉपर्टी से फायदा होगा। आपकी चलती साढ़े सती इशारा कर रही है कि पिछले कुछ समय से आप आर्थिक तंगी या धन की परेशानी से या काम की परेशानी से जूझ रहे थे, अब समय थोड़ा बेहतरी का है। अगस्त भी आपके लिए फाइनेंशियली ठीक रहेगा, लेकिन आपने फिर भी एहतियात देनी है, किसी इजी मनी के लालच में नहीं आना है, नहीं तो सितंबर में आपको घाटे से, लॉस से, नुकसान से या धन की तंगी से जूझना पड़ेगा। साथ साथ आपने धोखे से और चोरी से भी बचना है। बारी आती आखिर राशि मीन राशि यानी पाइसेस की, अभी आपका समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, काम को लेकर काम स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी सितारे इशारा कर रहे हैं कि जून जुलाई में आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, यानी आपकी फाइनेंशियल चीजें मैनेज तो हो पाएंगी लेकिन थोड़ी परेशानी के साथ। अगस्त में फाइनेंशियल सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, आपका काम भी बढ़ पाएगा और सितंबर में आपको फायदा होगा, कुछ पेमेंट्स रुकी हुई मिल सकती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट काम आ सकती है, साथ साथ किसी से फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता मिल सकती है या काम में किसी की मदद आपको मिल सकती है। तो ये तो मैंने आप सबको बता दिया कि सितारों के हिसाब से किस महीने में सितंबर तक आपको फायदा है और किस महीने आपने नुकसान से बचना है। मेरी यही कोशिश है कि इस जानकारी को पाकर आप प्रिपेयर्ड रहें और नुकसान से बचे रहें और अपना फायदा, अपने परिवार का फायदा कर सकें। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही आसान सा लक्ष्मी मंत्र बताना चाहूंगी। ओम श्री महालक्ष्मय नमः, ओम श्री महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप रोज 108 बार करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी।